तालिबान चीन ही नहीं पाकिस्तान भी लपेटे में। पाकिस्तान को ठोकने रूस अमेरिका से पक्की डील। इशारा मिलते ही भारत ने एलओसी पर उतारे फाइटर जेट। पाक सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर भारत ने कर दिया बड़ा खेल। भारत एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स पहले से ही रेडी है और लगे हाथ अपने दोस्त देशों के सहयोग से और मजबूत हो रही है। तालिबान और पाकिस्तान आतंकी हमला करवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब तालिबान के सरकार बनते ही पाकिस्तान ने अपनी कोशिश और तेज कर दी है और वो कश्मीर को दहला सकता है। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI एक और जहां कश्मीर में तबाही मचाने तालिबान के साथ प्लानिंग करने अफगानिस्तान पहुंच चुकी है। इधर पाकिस्तान ने भारत को लेकर अपने सबसे अहम सैटेलाइट एयरबेस शमसी एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। इसी समय पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकत कर रहा है जिससे भारतीय सेना फुल अलर्ट पर है और सरकार भी फुल एक्शन में है। तभी तो भारत ने अमेरिकी CIA चीफ और रूसी सुरक्षा सलाहकार को भारत आमंत्रित किया है। भारत ने इस दौरान रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के सामने भारतीय NSA अजीत डोभाल से तालिबान और पाकिस्तान को लेकर अहम डील की है। अब इसके एक दिन बाद ही भारतीय सेना ने LOC पर पाकिस्तानी सीमा पर महज 40 किलोमीटर दूर अपनी खतरनाक फाइटर जेट और विशालकाय C-130 सुपर हरकुलस विमान उतार दिया है। सेना की ये तैयारी देख लग रहा है कि भारत बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाला है। आपको यह भी बताएंगे कि भारत पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए LOC पर कैसे कर रहा है तैयारी और बताएंगे कि इस संवेदनशील समय में भारत ने क्यों उतारे हैं LOC पर फाइटर जेट। तो बने रहें वीडियो में। इंडियन एयरफोर्स के विमानों की LOC पर इमरजेंसी लैंडिंग। हाईवे पर भारत के जंबाज लड़ाकू विमानों ने भरी हुंकार। गुरुवार के दिन भारत के लिए सबसे अहम दिन रहा। भारतीय सेना ने वो तैयारी की है जो पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाने वाली है। अब तक जो पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर भारत में अटैक करवाने का सपना देख रहा था, उसे जवाब देने के लिए भारत ने LOC पर ही खुट्टा गाड़ दिया है। पाकिस्तान और तालिबान ने सीमा पर जरा सा भी गलती की तो ये उसकी आखिरी गलती होगी, क्योंकि भारत ने अपने सीमा पर इमरजेंसी विमानों की लैंडिंग करवाकर दुनिया को ये बता दिया है कि अगर कश्मीर में पाकिस्तान या तालिबान ने घुसने की कोशिश की तो भारत उन पर जोरदार हमला बोलेगा। इसके लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने काबिलियत तारीफ काम किया है। गुरुवार को अमेरिका और रूस से भारत ने मीटिंग के बाद भारत ने LOC पर अहम फैसला लेते हुए देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का शुभारंभ किया। यह हवाई पट्टी पाकिस्तानी सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर पर है। यह भारत का LOC पर पहला इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड है जो पाकिस्तान या तालिबान पर एयर स्ट्राइक करने के वक्त काम आएगा। देश में यह पहली बार है जब किसी नेशनल हाईवे का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान चीन सीमा सहित पूरी दुनिया की नजर भारत पर जमी हुई थी। पलक झपकते ही पाकिस्तान पर टूट पड़ेगा भारत। चंद सेकेंड में भारत कर पाएगा अपना काम। भारत की हवाई पट्टी बहुत अहम है। पाकिस्तान और अब तालिबान के साथ किसी भी इमरजेंसी के वक्त भारत पाक सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर इस स्ट्रिप का इस्तेमाल कर पाएगा। इसका निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बने हाईवे नेशनल हाईवे 925A पर हुआ है। इस हवाई पट्टी की चौड़ाई 33 मीटर है और लंबाई 3 किलोमीटर। इमरजेंसी की हालात, राहत या रेस्क्यू के मकसद से नेशनल हाईवे पर लैंडिंग स्ट्रिप में बदलने की तैयारी चल रही है। इस हवाई पट्टी पर जब हरकुलस, सुखोई और मिग विमानों की लैंडिंग हुई तो यह नज़ारा वास्तव में गर्व महसूस करवाने वाला था। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भारत को अचानक इस हवाई पट्टी की शुरुआत करने और यहाँ पर फाइटर जेट उतारने की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा देखा गया है कि अक्सर दुश्मन देश महत्वपूर्ण एयरबेस को टारगेट करते हैं, निशाना बनाकर उन्हें तबाह करने की कोशिश रहती है ताकि फाइटर जेट लैंड और टेक ऑफ ना कर सके। ऐसा करीब 50 साल पहले भी देखा गया था जब 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भूज एयरबेस पर बम दागे थे। इस हमले में एयरबेस कारण में पूरी तरह से तबाह हो गया था। भविष्य में ऐसे किसी हालात से निपटने के लिए ऐसे स्ट्रिप को तैयार किया जा रहा है।
अब वायुसेना को अपने ऑपरेशन के लिए और अधिक विकल्प और सीमा से सटे इलाकों में तत्काल एक्शन के लिए आसानी होगी। पाकिस्तान अब इसी चाल में है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी इनपुट मिले थे। पाकिस्तान ही नहीं, चीन के पास भी बनेगा ऐसी हवाई पट्टी। भारत सिर्फ पाकिस्तान और तालिबान को लेकर ही ऐसी हवाई पट्टी नहीं बना रहा है, बल्कि चीन को लेकर भारत पहले से ही कदम उठा चुका है। इसी प्रकार का एयर स्ट्रिप जम्मू कश्मीर में भी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये बेहद ही खास है। कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान से लगती है, साथ ही लद्दाख का हिस्सा भी चीन के साथ सटा हुआ है। चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ ही भारत के रिश्ते ठीक नहीं हैं और तनावपूर्ण स्थिति है। बनिहाल श्रीनगर मार्ग पर अवंतीपुरा के पास इसका काम चल रहा है। इमरजेंसी के हालात में यह रेस्क्यू और राहत पहुंचाने के मकसद से नेशनल हाईवे को लैंडिंग स्ट्रिप में बदलने की तैयारी पूरी जोरों पर है। खैर दोस्तों, पाकिस्तान और तालिबान को इमरजेंसी के वक्त खोकने के लिए यह लैंडिंग स्ट्रिप कितना कारगर साबित होगा, यह आने वाले वक्त ही बताएगा। तो उम्मीद है आप लोग को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।